नमस्कार, हूं मिथुन। आप जोई रहा छो वीटीवी न्यूज अने सौ प्रथम जोईए 2 मिनिट में 10 खबरो। सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में चिंतन शिविर बाद गांधीनगर में मड़ी रिव्यू बैठक। चिंतन शिविर में चर्चाये मुद्दाओं पर आगामी आयोजन अंगे तमाम विभाग अधिकारी साथ करी बैठक। शिक्षण, आरोग्य और माळखाकीय सुविधाओं मुद्दे बैठक में थी चर्चा। ग्राम्य विस्तारों में माळखाकीय क्षमता निर्माण मुद्दे थी चर्चा। भावनगर शहर में धोधमार वरसाद खाबक्यो। भरतनगर, कड़ियाबीड, शिवाजी सर्कल विस्तार में वरसाद खाबक्यो। दुखी, श्याम सर्कल सहित विस्तारों में भारे वरसाद थी ठेर ठेर जगह पानी भराया। बनासकांठा ना पालनपुर नेशनल हाईवे पर पानी भरेला खाड़ा में कार खाबकी। राजस्थान तरफ थी आवी रहेली कार खाड़ा में पड़ता ट्राफिक जाम थता वाहन चालकों ने भारे हालाकी नो सामनो करवो पड़ो। स्थानिक लोगों भारे जहमत उठावी कार ने खाड़ा माथी बहार काढ़ी। राजकोट महानगरपालिकानी फायर विभागनी मुख्य कचेरी जर्जरित हालतमां। फायर विभागना कर्मचारीओ जीवना जोखमे काम करवा बन्या मजबूर। अनेक वखत रजूआत छतां कोई कार्यवाही हाथ धराई नथी। सूरतमां 5 वर्ष पहला बनेलो गोथाण रेलवे ओवरब्रिज खखड़ी गयो। ब्रिज उपर लोखंडना सड़िया देखाता तंत्रनी कामगीरी पर उठ्या सवाल। तंत्रनी बेदरकारीना कारणे ब्रिजनी हालत खखड़धज बनी। बनासकांठाना वावना धारासभ्य गिनेबेन ठाकोरे बनासकांठा एसपी पर कर्या आक्षेप। पुलिसनी दादागीरी थी आम प्रजाने हैरानगति थता आजे कलेक्टरने मळीशु। कांग्रेसना कार्यकरो पर खोटा केस थाय छे ते कई रीते रोकवा ते माटे पण कलेक्टरनु ध्यान दोरीशु। जो समाधान न आवे तो आवनार समयमां जेलभरो आंदोलन करीशु। राजकोटमां सर्वे भवनमां जमीन मापणीना प्रश्न मुद्दे गुजरात किसान कांग्रेसे कर्यो विरोध। सौराष्ट्रमां अलग अलग जिल्लामां जमीन डीसर्वेमां घोटाळाने लईने खेडूतो थया एकटा। अमदावादना गीता मंदिरमां कुख्यात आरोपीनो आतंक। आरोपी मंगो वेपारीओ पासे खंडणी मांगे छे। गीता मंदिर बस स्टेशनमां अनेक वखत करी चुक्यो छे तोड़फोड़। पोलीस धरपकड़ करे अने जामीन पर छूटी जाय छे आरोपी। आरोपी मंगा विरुद्ध 2 वखत थई हती पासा। पोलीस पण आरोपी मंगाथी दूर भागती होवानुं वेपारीओनुं निवेदन। મહેસાણામાં અર્બન બેંકના ડિરેક્ટરના આપઘાત કેસની તપાસ સાબરકાંઠા ડીવાયએસપીને સોંપવામાં આવી। અર્બન બેંકના ડિરેક્ટર કિરીટ પટેલે પોતાની કોલેજના રૂમમાં આપઘાત કર્યો હતો। મહેસાણા પોલીસે યોગ્ય તપાસ ન કરી હોવાનો સુસાઇડ નોટમાં ઉલ્લેખ કરાયો હતો। મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે નિવેદન આપ્યું કે હવે મહારાષ્ટ્રમાં વિપક્ષ લગભગ ખતમ થઈ ગયો છે। શિવસેના અને એનસીપી પણ પડી ભાંગી છે। દેશ મોદીજી સાથે ઉભો છે। બિહારમાં ગઠબંધન નહીં ઠગબંધન છે। દેખીએ યે જો ગઠબંધન હૈ યે ગઠબંધન નહીં ઠગબંધન હૈ। નવે સમાચારો।